जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? देश में जाति का मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। चुनाव में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। बिहार में लंबी जद्दोजहद के बाद जातीय जनगणना भी हो गई, जिसके आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। आजकल कई नेता तो अपनी जाति बताने के लिए आतुर रहते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन संसद के अंदर नेता की जाति पूछने पर घमासान मच जाता है। ऐसा ही कुछ कल संसद के अंदर देखने को मिला। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना जाति को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। अनुराग के बयान पर संसद में हंगामा छिड़ गया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर के बयान पर आपत्ति जताई। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के पूरे भाषण को एक्स पर पोस्ट कर दिया था, पर लोकसभा की कार्यवाही से अनुराग ठाकुर के बयान को हटा दिया गया है। अब कांग्रेस संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, और उनके मांग पर कल तंज किया गया भाजपा की तरफ से, हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। जाति वाले बयान को लेकर छिड़े संग्राम में राहुल गांधी को विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला बोला। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर गया हो आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। विपक्षी दलों के हमलों के जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने अनुराग ठाकुर के बयान का बचाव किया, साथ ही राहुल पर भी वार किया। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं, यहाँ बारो जोरो यात्रा करता है वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं, देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है। आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना ये इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाइए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को जाति कार्ड का भारी फायदा मिला। नतीजों से उत्साहित कांग्रेस समेत बड़े विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई में इसे ब्रह्मास्त्र मान बैठे हैं। राहुल अखिलेश की जोड़ी इस तुरुप के पत्ते को हर मौके पर खेलने को आतुर रहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इसे ज्यादा खेल कर अपने गेम को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? जातीय जनगणना अगर हुई तो उसके बाद का उनका प्लान क्या है? क्या एक बार फिर रिजर्वेशन कोटे का शॉर्टकट उनके दिमाग में फिट है? बीजेपी समाज को बांटने का जो आरोप उन पर लगा रही है, क्या वो जायज है? तो इसी मसले पर चर्चा होगी। मेहमानों से आपका मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। एक ही निवेदन है, कोशिश करिएगा आवाज़ अड्डा में हम लोग भाषा की मर्यादा बहुत ध्यान रखते हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए तीखी आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हैदराबाद जी आवाज़ आ रही हो तो मेरा सीधा सवाल है कि अखिलेश जी को इतना गुस्सा क्यों आ गया? जी जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, जी बताइए। देखिए सवाल यहाँ पे किसी की जात का नहीं है, सवाल है कि सदन के अंदर आप कैसे विपक्ष के सांसद को, जो कि एक नेता प्रतिपक्ष है हमारे देश के, उनको आप किस प्रकार से सम्मानित कर
अपमानित करना चाहते हैं, वो सदन जहां पे सदन की गरिमा और मुझे लगता है आपसी जो आम मान सम्मान है उसका हमेशा से ध्यान रखा गया, उस सदन में अगर आप ये कहते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी क्या जात है, ये सवाल नहीं था, ये अपमानित करना था, आपकी जात का तो पता नहीं, ये किस प्रकार की भाषा का उपयोग हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहा है तो जरूरी है कि वो पिछड़े वर्ग से हो या दलित वर्ग से हो? देखिए, इस प्रकार से तो आपने कर्पूरी ठाकुर से लेकर के या डॉक्टर राम मनोहर सिलोहिया पर तमाम जो 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 महात्मा गांधी से लेकर के जिन्होंने दलितों पिछड़ों वंचितों की लड़ाई लड़ी सबको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, सबको आपने ये कह दिया कि आपको अधिकारी नहीं है लड़ाई लड़ने का, पिछड़ों के दलितों के अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही कुतर्क और बहुत ही घृणा वाली मानसिकता अनुराग ठाकुर जी ने सदन में दिखाई है। मुझे लगता है जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि शायद उनको इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आपको कितनी बार बदतमीजियां करनी होंगी और किस प्रकार से आपको अपमानित होना होगा और करना होगा, उसके बाद शायद मंत्री बनाया जाए। ये उनका व्यक्तिगत और इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है किसी की जाति को लेकर के अपमानित करना, किसी को इस प्रकार से बात करना, ये सदन की गरिमा नहीं हो सकती। हैदराबाद बस जब अखिलेश जी पत्रकारों की जाति पूछते हैं कौन है आप क्या जाति इसकी जाति पूछो, तब तब अपमानित नहीं लगता किसी को? नहीं नहीं, देखिए दोनों बातों में फंडामेंटल चीज है। अगर आप कहें कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, सामाजिक न्याय नहीं होनी चाहिए, आप ये कहें कि भाई समाज में जो है बराबरी है, गैर आप के भाई खुला खुला आप जो है पूरे समाज में जो है, अगर आप ये कह देते हैं कि समाज में कॉम्पिटिशन है, आरक्षण की जरूरत नहीं है, जनगणना की जरूरत नहीं है, तो हम सवाल पूछेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री में, आप पता करिए कौन से लोग। बस मेरा सवाल ही नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब जर्नलिस्ट से पूछा जाता है कि आप कौन जाति के हैं तो वो क्यों पूछा जाता है? नहीं नहीं, अगर आप सवाल हमसे पूछे, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे कि भाई आप ये बताइए कि आप जो है समाज में जो है आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, आप कहेंगे कि समाज में सब बराबरी है, पिछड़ों दलितों को जो है जो स्पेशल अटेंशन हमारे देश का संविधान देता है उसकी आवश्यकता नहीं। ये किसने पूछा था, ये किसने बोला? न्यूज रूम में कौन से लोग किस समाज के? अब्बास, ये किसने बोला? निश्चित रूप से नहीं, ये बराबरी, लेकिन अगर आप ये कहें नहीं, अगर मैं मान लीजिए मैं पिछड़े समाज या दलित समाज से नहीं आता हूं और मैं पिछड़े दलित समाज की लड़ाई लड़ता हूं, आप मुझसे पूछे कि नहीं आपको अधिकार नहीं है लड़ाई लड़ने का, आप अगर पिछड़े समाज से नहीं है, आप अगर जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, आप पिछड़ों दलितों के अधिकारों को आरक्षण को समर्थन करते हैं, तो क्या आपको यह अधिकार नहीं है? यह आपसे पूछा जाए, नहीं आप ये नहीं कर सकते? हैदराबाद दोनों चीजों में फंडामेंटल, मैं उसको समझ रहा हूं, आज तक ज्यादातर बड़ी लड़ाइयां रामनोहर लोहिया भी कौन थे वो भी आपको जानना चाहिए। मेरा सवाल ये कि जब अखिलेश जी खुलेआम पूछते हैं पत्रकारों से सवाल कि तुम्हारी जाति क्या है, तो पत्रकार थोड़ा अपना व्यू दे रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, वो तो सवाल पूछ रहा है, तो आप उससे उसकी जाति पूछने लगते हो और ये बताते हैं अच्छा मिश्रा जी हैं आप, तो उसको अपमानित नहीं लगेगा क्या? नहीं नहीं, देखिए मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है अब्बास कि जाति अब इतना मतलब जाति जनगणना होने जा रही है, अब हर आदमी एक दूसरे की जाति, प्रधानमंत्री की जाति पूछ जाती कि ये कौन से घाची तेली समाज से आते कि नहीं आते, तो नकली ओबीसी, अब इतना ज्यादा हो गया है ये और सब पार्टियां कर रही हैं, ऐसा नहीं खाली कोई एक कर रहा हो, तो वहां पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। चैनल पे आपका नाम सामने लिखा हुआ है, सबके लिखे हुए हैं, नाम लिखा है, आपकी जाति स्पष्ट है, मेरा नाम लिखा है, मेरी जाति स्पष्ट है, लेकिन सवाल यहाँ पे अगर आप किसी से कहते हैं कि भाई तुम्हारी जाति का पता नहीं है, मैं आपसे कहूं नीरज जी मुझे आपकी जाति का पता नहीं, क्या जाति है आपकी, कोई जाति, तो ये क्या है? आप दोनों चीजों में फर्क है ना, देखिए ये अपमानित करना हुआ, ये किसी को ये घृणा की मानसिकता की पराकाष्ठा है जब मैं आपसे इस प्रकार कह रहा हूं। राहुल गांधी जी बहुत बड़े देश के नेता हैं, कौन उनकी जाति नहीं जानता, अखिलेश यादव जी की जाति कौन नहीं जानता, लेकिन जब आप सदन में सामने से पूछेंगे, कोई सर्वे नहीं हो रहा है, कोई सर्वे नहीं हो रहा जिसमें आप जाति लिख रहे हैं और आप समाज का एक आईना प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या किस स्थिति में कौन सा समाज है, कि हम उस समाज का एक्सरे और उस आधार पे जो हमारे संसाधन है उनका आवंटन हो सके, ये एक्सरे नहीं हो रहा है वहां पे आप घृणा की मानसिकता को दर्शा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आपकी किस प्रकार की घृणा भरी मानसिकता है, ये बेसिक फर्क है। देखिए ओके, डॉक्टर कौशलकांत जवाब दीजिए इस बात का कि आप लोग क्यों राहुल गांधी या अखिलेश जी की जाति जानना चाहते थे, आपको पता नहीं है क्या? अब नीरज जी, मैं आपसे और चैनल से
अपने अब्बास साहब से और कांग्रेस के प्रवक्ता सबसे पूछना चाहूंगा, सच में मुझे राहुल गांधी की जाति नहीं पता, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं, और ये दोनों लोग मिलके मुझे राहुल गांधी की जाति अभी बता दें, कोई सवाल नहीं रहेगा। पूजा जी बताइए। नीरज जी मैं बोल चुका। हाँ मैं पूजा जी के पास गया, मैं तो अब सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने अगेन। पूजा जी बताइए। कौशल जी को बता दो, मोतीलाल नेहरू से शुरू करती हूँ, आपको राहुल गांधी की जाति पता करनी है। मोतीलाल नेहरू जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति देश की आजादी के लिए दान कर दी, उनकी पत्नी जो सर पे लाठी खा के अंग्रेजों की उनकी मृत्यु हुई। मैं आती हूँ जवाहरलाल नेहरू पर, 9.5 साल उन्होंने देश की आजादी में जेल में रहे। उसके बाद मैं आती हूँ कमला नेहरू पर, जिन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की डेड बॉडी के लिए अंग्रेजों के नाकों चने चबवा दिए। मैं आती हूँ इंदिरा गांधी पे, मैं आती हूँ फिरोज गांधी पे, जिन्होंने देश के लिए सीने पर 33 गोलियां खाई। मैं आती हूँ राजीव गांधी के लिए, जो देश के लिए टुकड़े टुकड़े में वापस आए। आप जाति पूछते हैं कौशल जी, आप जाइए उस रामचरित मोचे से जाति पूछिए, जिसके गुमटी पे 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने चप्पल सिली थी। आप जाइए उस रामेश्वर सब्जी वाले से पूछिए, जिसके मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कौशल जी आपने पूछा तो उनको इतिहास कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप आइए। भैया की माँ से पूछिए राहुल गांधी की जाति, वो आपको राहुल गांधी की जाति बताएंगे। जब आप संसद में खड़े होकर बिल्कुल आक्रामक अपमानजनक तरीके से ये कहते हैं जिसकी जाति का पता नहीं। नीरज जी अभी आपने एक सवाल किया कि किसी से जाति पूछना, किसी से जाति पूछना मैं गलत नहीं मानती, जब आप ये पक्ष रख रहे हो कि जाति का जनगणना क्यों होती, लेकिन संसद के पटल पे जब आप ये कहते हैं जिसकी जाति का पता नहीं, तो अनुराग गोली मारो ठाकुर को हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि संसद की गरिमा क्या होती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे अनुराग ठाकुर से कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना ही मुझे संबित पात्रा से, जो दिन दिन जहर मुझे तीर डालते रहते हैं। सबसे खराब ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी हैं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, वो इस जिस स्पीच को लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं अपने उससे नरेशन से, उस स्पीच को वो शेयर करते हैं ट्विटर पे, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए यह सारा यह जो सवाल सब कोई कह रहा है कि प्रिविलेज मोशन प्रधानमंत्री के खिलाफ आना चाहिए, अनुराग ठाकुर जो दिल्ली जब दंगों की लौ में जल रही थी, जो गोली मारो का नारा दे सकते हैं, वो किसी भी स्थिति पे जा सकते हैं, उनसे हमें कोई खास नहीं। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, उनसे हमें कोई माफी नहीं चाहिए, पर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इस देश के हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री है, वो इतने घटिया, इतने अपमानजनक, इतनी आक्रात्मक बात को कहते हैं कि इज अ मस्ट वॉच, तो यह प्रधानमंत्री के पद को वो नीचा करते हैं, वो यह प्रधानमंत्री के पद के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने राहुल गांधी की जाति पूछी, मैंने आपको मोतीलाल नेहरू से राजीव गांधी तक उनकी जाति बता दी, और राहुल जी उस रामचरित के भी मोची के हैं, निर्भया की माँ के भी हैं, और रामेश्वर के आंखों से आंसू पोंछने वाले भी हैं। ये है राहुल गांधी की जाति। ओके कौशल गांध, सुना आपने? पूरे देश ने सुना, नीरज जी आपने भी सुना, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी सुना कि राहुल गांधी की जाति अभी तक आई नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जाति हिंदुओं का कल्चर है, हिंदुओं में अपाई जाती है, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था लाई गई, जो जैसे भी आगे बढ़ी, ये हिंदू ही नहीं है। इसका रीजन क्या है कि इनकी माँ सोनिया जी क्रिश्चियन है धर्म से, मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूं, क्रिश्चियन होना कोई बुरी बात नहीं है, क्रिश्चियन हमारे देश का उतना ही नागरिक है जितना मैं नागरिक हूं। उनके पिता राजीव जी थे, वो किसके बेटे हैं, उनके पिताजी थे फिरोज गांधी। कौशल गांध मेरे इमेज पे एक आपत्ति है, कौशल गांध सुनो, मेरी इमेज पे एक आपत्ति मेरी ये है कि जब इस तरह के डिस्कोर्स में बातें जाने लगती है ना, कि आप पूरी वंशावली निकालो, कौन कहाँ से शुरू हुआ था, तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। सुनो ना पहले बात, क्वेश्चन सुन लो ना, आप मेरी क्वेश्चन सुन लो, अरे क्वेश्चन तो सुन लो यार कौशल गांध जी। एक तो अब मैं एक तंज के स्टाइल में बात करता हूँ, दर्शक भी नोटिस करें, कौशल कांत मिश्रा, पूजा त्रिपाठी, विजय त्रिवेदी, नीरज वाजपेयी और हैदर अब्बास, डिबेट देखिए कैसी बढ़िया हो रही है, क्या ये तंज माना जाएगा? इसलिए कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को समझना चाहिए था। जब वहाँ पर बात हो रही है कि जाति जनगणना पर हुई, तो अनुराग ठाकुर ने जो बोला उसको उन्होंने तंज में ले लिया कि यार ये तरीका थोड़ी पूछने का, कि जैसे आप पूछ रहे हो कि राहुल गांधी की जाति क्या है, उनको अपनी आती जाती का पता नहीं है, नहीं। तो इसलिए उनको बुरा लगा, अब आप उनकी वंशावली लेके बैठे हो,
बताओ नीरज जी, वंश नीरज जी, अब मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। मैंने सबको सुना। बोलो 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 सर। और नेशनल चैनल पे मैं फिर जानना चाहता हूँ कि सब लोगों ने मिलकर अभी तक मुझे राहुल गांधी की जाति नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक्चुअली हिंदू नहीं है। तो कौन है? फादर की वंशावली लेते हैं तो वो पारसी होते हैं। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, मैं बता तो रहा हूँ, जो जो कल्चर है, जो हमारे समाज का स्ट्रक्चर है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी की, अगर मेरे पिताजी पारसी होते और मेरी माता क्रिश्चियन होती, तो या तो मैं क्रिश्चियन होता या तो मैं पारसी होता, मैं हिंदू तो नहीं होता। और अगर मैं हिंदू नहीं होता तो मेरी कोई जाति हो ही नहीं सकती। और वो लोग जिनको, जो हिंदू ही नहीं है, वो जात की बात पे इतना चढ़ रहे हैं, क्यों चढ़ रहे हैं? सच्चाई ये है कि ये झूठ बोला है इनके बारे में कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता ने कि ये दत्तात्रेय जनेऊधारी ब्राह्मण है। पूरी डिबेट में मैं चुप रहूंगा, मुझे ये प्रूफ कर दिया जाए कि ये कैसे दत्तात्रेय जनेऊधारी ब्राह्मण है, जो हिंदू ही नहीं है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है, दलित कैसे हो सकता है, शूद्र कैसे हो सकता है, ओबीसी कैसे हो सकता है? अगर ये सच्चाई, रुको भाई, यार आप लोग ना, अगर पूजा जी, नहीं सुनिए, नहीं बात देखो नीरज जी, हाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बड़े सम्मान से बोल रहा हूँ ना, मैंने अपने को लिया, जिसका जवाब पूजा जी देंगी ना, पारसी है और मेरी, पूजा जी जवाब दीजिए, क्रिश्चियन है तो क्या मैं हिंदू हूँ? पूजा जी जवाब दे, पूजा जी जवाब दे देते ना, आपने सवाल उठाया, पूजा जी पूजा जी है, जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा, जिसकी जाति का पता नहीं, प्रधानमंत्री जी शेयर कर रहे हैं इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, कौशल कांत जी बहुत हल्का कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि उनके पारसी पिता क्रिश्चियन माता, मुझे बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि ये क्या सदन में, क्या एक सम्मानित सदस्य, सम्मानित कहना भी गलत होगा अनुराग गोली मारो ठाकुर के लिए, क्या एक सम्मानित सदस्य के लिए यह कहना कि जिसकी जाति का पता नहीं, क्या यह आक्रामकता, क्या किसी को हक है संसदन की गरिमा का ये इस लेवल पे गिराने का, क्या किसी को ये हक है, क्या किसी को ये अधिकार दिया है इस देश के संविधान ने कि वो इस तरीके की छिछली, इस तरीके की घटिया, इस तरीके की हल्की बात करे? और जब आप वंशावली पे आते हैं, मैंने आपसे कहा आपको राहुल गांधी की जाति पूछनी है, निर्भया की माँ से पूछे, चैत्रा मोची से पूछे, रामेश्वर के आंसुओं से पूछे, जहां तक आपकी पार्टी के लोग नहीं जाते। तो आपको अगर जाति जानने का इतना शौक है और आप इस पूरे डिबेट को, इस पूरे पूरे जो चल रहा है डिबेट, उसको इस तरीके से हल्का करेंगे कि वो बता दें कि वो दत्तात्रेय जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो मुझे नहीं लगता इस पे कोई आंसर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस पे आंसर देने के लिए हम बैठे हैं आपको, क्योंकि आप इस पूरे पूरे ओपिनियन को, पूरे डिबेट को बहुत हल्का कर रहे हैं। और यही भारत के किसी नागरिक ने कहा, न किसी विपक्षी ने कहा, ये कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता का स्टेटमेंट था कि वो दत्तात्रेय जनेऊधारी ब्राह्मण है, जो झूठ निकला। अगर किसी से जाति पूछना संसद में, उसका असम्मान हो सकता है। तो नीरज जी, मैं बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं सभी से, पूरी संसद से, सारे नेताओं से, सबसे, पूरे देशवासियों के घर में पर्ची लेकर के जाति पूछना उनके लिए कितना सम्मानजनक है? राहुल गांधी का सम्मान क्या बड़ा सम्मान हो जाता है उस मोची के सम्मान से, उस नाई के सम्मान से, उस दलित के सम्मान से, उस रिक्शे वाले के सम्मान से, उस कुली के सम्मान से? किसके सम्मान से बड़ा सम्मान हो जाता है राहुल गांधी का, जब उसकी जाति पूछी जा रही है, कागज पे लिखी जा रही है, उसको निकाल करके कागजों पे उकेरा जा रहा है, और हिंदुओं को बांट करके जातियों में खंडित किया जा रहा है, तो उसके सम्मान? नीरज जी, मैं बीच में नहीं बोला, नीरज जी प्लीज मैं बहुत कम बोला हूं भाई। मेरी रिक्वेस्ट है मेहमानों से कि अपने अपनी बारे में बोले, मैं तो इतना समय दे रहा हूँ, सबको समय दे रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों बोलना है। पूजा जी, मैं आपके बारे में नहीं बोला था, आप मेरा समस्या क्या है? अच्छा, एक मिनट संक्षेप में रखिए आप लोग भाई, अभी विजय जी के पास में गया ही नहीं हूँ, बिल्कुल थोड़ा तो छोटे छोटे में रखिए, 17 मिनट हो गए, हाँ संक्षेप में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कैरेक्टर देखिए, कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश का बंटवारा करता है, कांग्रेस का नेता
देश में सत्ता चलाने के लिए कौशल अभी वो आजादी के इतिहास की तरफ जाने, अभी पूजा छोटा जवाब 30 सेकंड का दे दीजिए, फिर एक बार हैदर जी के पास। हैदर जी मामला बहुत उलझ गया, आप सुन ही रहे होंगे। छोटा सा जी, सीधी सी बात है, जो अंग्रेजों की गोद में बैठकर स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर कर रहे थे वो हमें ना बताएं कि कौन या किसने। ओके हैदर अब्बास कौशल गांधी, अब आप रुकिए हैदर अब्बास, मामला देखिए बहुत उलझ गया है, थोड़ा इसको सरल बनाइए। बात कहां से कहां पहुंचती जा रही भाई। नीरज जी एक मिनट देखिए, देश में इस वक्त तो जुडिशरी की भी जात पूछी जा रही है कि, अरे कौशलगंज रुको ना एक मिनट, हाई कोर्ट में कितने जज कौन से हैं, कागज दिखाया जा रहा है कि हलवा वाली सेरेमनी में कितने दलित कितने ओबीसी थे, मतलब अब तो जाति इतना ज्यादा डिस्कस हो रही है कि सबकी पूछी जा रही है कौन कौन ये। अब ये मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है अब्बास जी। देखिए नीरज जी, सीधा सीधा मामला है, एक सांसद का सदन के पटल में अपमान का मामला है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी से सिर्फ जात नहीं पूछी गई है, उनसे कहा गया तुम्हारी जात का अता पता नहीं है, किस प्रकार से अपमानित करने वाले शब्द कहे गए हैं, उसके बावजूद आप देखिए जिन सदस्य के द्वारा कहे गए उनसे न, उनके द्वारा ना माफी मांगी गई। ठीक, अब आप दोहरा रहे वही बात, रिकॉर्ड है सदन की जो कार्यवाही। अच्छा, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को अपमानित करना अपमान नहीं है, है ना? ये यार क्वेश्चन आपने, कौशल गांधी भाई एक मिनट, कौशल गांधी प्लीज रुको ना यार, मैं बात कर रहा हूँ। अपमानित कहाँ किया गया? नहीं, अगर आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार सवाल पूछे उससे पहले इनकी जाति पूछो, क्या ये अपमानित नहीं करना है ना? राहुल गांधी भी पूछ रहे थे कि अगर उसको मारो तो उससे उसकी जाति पूछो, सर ये भी उतना ही अपमानजनक है, ये उतना ही अपमानजनक है कि आप बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछो जाति बताओ तुम कौन हो। अब रुको, तीनों लोग देखिए, विजय त्रिवेदी जी, पार्टी वाले पूछते कहाँ है, सवाल नहीं पूछा, नहीं सवाल। अच्छा पत्रकार भी भारतीय जनता पार्टी वाला था जो पूछ रहा था, अरे यार सर ऐसा मत करो प्लीज। इन्होंने प्रमाण पत्र दिया है कि राहुल गांधी की जात छोड़ी हुई। अरे राहुल जी की बात नहीं हो रही यार, आपको अपने नेता की बात, यहाँ पे आ गए ना। रुको, अच्छा विजय त्रिवेदी जी करते हुए तो आपकी सीट। अब्बास जी प्लीज, अबे थोड़ा सुन भी लो ना। विजय त्रिवेदी जी, आपको मैं त्रिवेदी जी से आज संबोधित नहीं करूंगा, विजय जी बोलूंगा सिर्फ, आप बुरा मान सकते हैं। बताइए आपके क्या समझ में आ रहा है, जो डिस्कोर्स चल रहा है इस समय, कल से भयानक तरीके से, बताइए नीरज जी। ये जितना डिस्कोर्स चल रहा है ना वही भयानक है, वही दुखद है, मुझे वो लग रहा है। जब आप कहते हैं आप तो रायबरेली में रहे हैं, तो कोई पूछता है कौन जात हो, तो कौन जात हो वो क्वेश्चन ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं होता, उसमें एक तंज है, उसमें एक अपमान है। और वो राहुल गांधी किसी पत्रकार से पूछे, वो अखिलेश यादव किसी पत्रकार से पूछे, या किसी और से पूछे, या फिर अनुराग जी पूछे, मुझे तीनों में ही अपमान लगता है, समझे? मतलब कोई बहुत अच्छे गुड टेस्ट की बात नहीं है, गुड टेस्ट में नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। और अभी जब आपका डिस्कशन चल रहा था तो कहा गया कि राहुल गांधी की वंशावली पर चर्चा होने लगी, ये और भयानक है। मेरा सवाल ये है कि आप जानना ही क्यों चाहते हैं जाति, क्यों जानना चाहते हैं नीरज वाजपेयी? अच्छा यहाँ जो बैठे हुए हैं तो इनको तो बहस ही करने का अधिकार नहीं है जातिगत आरक्षण पर या ओबीसी पर या पिछड़ों पर, सारे ब्राह्मणों को आपने बैठा लिया अपर कास्ट को। सर विजय जी एक सेकंड रुको आप पहले दिखाओ सबको, ये जो क्वेश्चन आपने भी उठाया ना, दरअसल ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम चारों पांच लोग यहाँ बैठे, हमको तो जिस डिस्कोर्स की बहस इस समय देश में हो रही है, बहुत सीरियस नोट पर करूँ, इस बहस का अधिकार ही नहीं है नीरज वाजपेयी, पूजा त्रिवेदी, क्या अधिकार है कि आप इस तरह की बहस करें? हम ही लोग तो अत्याचारी रहे हैं जिस तरह के डिस्कोर्स बन रहा है देश में। आप सोच के देखो कि हम कहाँ ले जा रहे हैं अपनी बहस को, इस देश की चर्चाओं को, कि आप केवल पूछ रहे हैं तो गड़ा, आप पर्चा दिखा के पूछ रहे हैं कि हलवा में कौन कौन शामिल था, वो ठीक है, आप इस पूरे डिस्कोर्स को कितना खराब करें। जी विजय जी कंटिन्यू करें। वो वही डिस्कोर्स की बात है, फिर वो डिस्कोर्स जजेस पर भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कि मान लीजिए आरक्षण पर कोई फैसला हुआ 5 जजेस बेंच पर, तो क्या आप ये निकाल कर दिखाएंगे कि भाई इस 5 जजेस की बेंच में कौन कौन लोग थे, किस जाति के थे, ओबीसी थे, एससी थे, अपर कास्ट थे? तो ये डिस्कोर्स ही हमारा गलत ले जा रहा है, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है। इसको एक तरफ से देखें तो इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस जो है उसको आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 1 महीने पहले वो जब चुनाव का पूरा माहौल चल रहा था, तो उस समय संविधान को बदलने का जो डिस्कोर्स आया, नैरेटिव आया, और उसको फिर आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव तक पहुंचाया गया,
वो कटसी भारतीय जनता पार्टी, कुछ एमपी कटसी भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन 400 ये, लेकिन उसको और भारतीय जनता पार्टी ने कहा फेक नैरेटिव है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन वो नैरेटिव किसी हद तक चल गया। अब वो जब नैरेटिव चल गया तो इंडिया ब्लॉक को लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता इस आज की तारीख के पॉलिटिकल सिस्टम में, जहां पर जातिगत जो संविधान बदलने की बात है उसको जाति आरक्षण तक ले जाए, जातिगत जनगणना तक ले जाए। उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि जातिगत जनगणना पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक समझता है कि बीजेपी बैकफुट पर रहती है। अगर आप कहें कि बीजेपी बैकफुट पर नहीं है तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि भाई वो जातीय जनगणना के पक्ष में है, जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि किस में रहना है, आप तय कर दीजिए ना, इतनी बहस के बाद तय कर दीजिए कि जातिगत जनगणना में आप पक्ष में, जैसे आरक्षण पर कहा आपने कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, तो आप ये भी कह दीजिए जातीय आरक्षण जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है या हैं। मैं इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल जानने का। तो वो नैरेटिव अपोजिशन को मिल गया है, वो सोच रहे हैं कि बीजेपी इस पर बैकफुट पर है और इसलिए वो इस लड़ाई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और बीजेपी क्या कर रही है कि उस नैरेटिव का जवाब देने की बजाय सारी दूसरी बातें कर रही है जो इस बात को मुझे लगता है कि दूर तक ले जाएगी। बीजेपी को अपने नैरेटिव को कैसे ठीक करना है। एक सवाल विजय जी, उसके बाद इस कंटिन्यू करिए। अभी इस पूरे प्रसंग को देख के ऐसा लगा कि बीजेपी इसको हेड ऑन ले रही है ना, अनुराग ठाकुर को जिस तरह किया, फिर उसको पीएम ने किया ट्वीट, ऐसे लग रहा है कि इस इशू को जैसे ना कि मैन टू मैन मार्किंग करो, वन ऑन वन लो, इसको बैकफुट पे नहीं जाने का, इसको तो आप हेड ऑन लो। मैन टू मैन मार्किंग पर भी मैं आता हूँ जी जी। तो ये ऐसा है क्या, स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है। एक तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ सर, अभी अपनी रिपोर्ट में भी कहा गया और कुछ हमारे मित्रों ने भी कहा, मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में जो अनुराग जी ने कहा है उसे एक्सपंज नहीं हुआ है सर, एक्सपंज नहीं हुआ है। क्यों, प्रिविलेज मोशन एक्सपंज नहीं हुआ है? हाँ, मेरे पास है वो रिकॉर्ड, मैं पूरी वो डिबेट देख रहा था कि पार्लियामेंट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता हूं। मैं अपने प्रोड्यूसर्स को भी करके एक्सपंज नहीं हुआ है वो एक्सपंज नहीं हुआ है और उस पर कोई मतलब, मैंने पूरी वो उनकी जो रिपोर्टिंग है पार्लियामेंट की, उसका स्पीकर की तरफ से हमेशा रोजाना वो आता है कि क्या क्या चीजें एक्सपंज की गई हैं, उसमें अनुराग जी की इस बात को एक्सपंज नहीं किया गया है मेरी जानकारी में अभी तक, जो मेरे पास लोकसभा सचिवालय का जो मसला है। सही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं देख रहा था कि लोकसभा प्रोफाइल उसमें राहुल गांधी जी के रिलीजन और कास्ट पर कोई जिक्र नहीं है, सोनिया गांधी जी पर भी नहीं है और प्रधानमंत्री जी पर भी नहीं है। तो जब लोकसभा की प्रोफाइल में ये इशू नहीं है तो आप क्यों जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जाति क्या है, और राहुल गांधी क्यों जानना चाहते हैं कि पत्रकार की जाति क्या है, और अखिलेश यादव क्यों जानना चाहते हैं पत्रकार की जाति क्या है? क्योंकि उस समय एक किस्म का अपमान है दूसरे का और अपना एक एरोगेंस है, समझे, इसलिए ये चल रहा है। और आप जिसे हेड ऑन कर रहे हैं वो हेड ऑन तो है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो हेड ऑन है, आप जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो हेड ऑन है, लेकिन क्या हेड ऑन से आप उस सवाल का, उस नैरेटिव का जवाब दे रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है, आप इस डिबेट को आप ले जाइए आगे। और आपके पास तो मौका है, आप कहिए कि भाई कांग्रेस ने तो कर्नाटक में तो नहीं किया लागू, हिमाचल में तो नहीं लागू किया, तेलंगाना में तो लागू नहीं किया, इंडिया ब्लॉक ने तमिलनाडु में तो लागू नहीं किया, इस पर चर्चा करिए ना। 2011 में तो लागू नहीं हुआ, मंडल कमीशन पर को कांग्रेस ने नहीं लागू किया, और आप कहिए कि हम तो आरक्षण को चलाया, मोदी सरकार ने 10 साल का आरक्षण बढ़ाया ना, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, और मोदी सरकार ने तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रखी है राष्ट्रपति के सामने, अब वो टेबल क्यों नहीं की, उसका भी वो जवाब दे। तो आपने तो विश्वकर्मा योजना शुरू की कुछ खास जातियों के लिए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूं इसे, लेकिन हेड ऑन बिना जवाब दिए हेड ऑन नहीं होता सर, सॉरी, बिना जवाब दिए हेड ऑन नहीं होता। राहुल गांधी आपको ऐसी जगह ले आए हैं जहां आपको जवाब देना है जी। अच्छा, यहाँ पे दर्शकों के लिए, क्योंकि एक्सपंज हुआ नहीं, मैंने भी लास्ट जब सचिवालय को पढ़ा था तो एक्सपंज हुआ नहीं था वो बयान, और अगर हुआ नहीं है तो प्रिविलेज मोशन भी शायद नहीं आ सकता जितनी मेरी समझ कहती पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, तो ये भी एक बड़ा ट्रिकी मामला, खैर उसको साइड में रखते हैं। वो कौशल कांत जी जवाब देने के लिए उंगली भी दिखा रहे थे, हाँ, लेकिन जब ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं कि आप हेड ऑन ले रहे हैं, उनकी जाति पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं ये, लेकिन असली मुद्दा यहाँ पे आ खड़ा हो गया जाति जनगणना वाला, इस पर राय बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब तो ये सेंट्रल इशू है। नीरज जी, जी कौशल का, नीरज जी, त्रिवेदी जी ने जो पूछा कि उनकी जाति क्यों पूछी जाए,
तो इंडी गठबंधन वालों को यह हक है नहीं कि वो अपनी जाति ना बताएं, जो पूरे देश में घूम घूम कर लोगों की, हर नागरिक की जाति जानना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी जाति बतानी पड़ेगी। अब बात आती है कि हम क्या सोचते हैं। हमारी सोच पिछले 2 टर्म कंप्लीट करने के बाद और तीसरी बार मोदी 3 सरकार जो आई है, भारत के पूरे देश के जनादेश के साथ जब आई है, तो उसका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और हम कोई भी ऐसी नीति जो भारत को टुकड़ों में खंडित करती है, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसके साथ नहीं है। वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज। और जब हमने सड़कें बनाई थी तो हमने जाति पूछ कर नहीं बनाई थी, जब आयुष्मान योजना दी थी तो जात पूछ कर नहीं दी थी, जब बिजली का कनेक्शन दिया था, जब गैस का कनेक्शन दिया था, जब जनधन खाते खोद ले गए थे, जब नल से जल की योजना दी गई थी, जब पूरे देश को 5-10वीं इकॉनमी से 5वीं इकॉनमी बनाया था, तो हमने देश की जाति पूछ कर उसका नहीं किया था। ये सब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के फॉर्मूले से आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। और जो बात त्रिवेदी जी ने कही कि कर्नाटका में ऑलरेडी जातिगत जनगणना है तो इन्होंने सामने क्यों नहीं रखी, तमिलनाडु में जातिगत जनगणना हो चुकी उन्होंने सामने क्यों नहीं रखी, 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी उन्होंने सामने क्यों नहीं रखी, क्यों? क्योंकि ये गैर संवैधानिक माना जाता है, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए। और एक आखिरी बात कह के नीरज जी बात खत्म करूंगा, जो पूरे देश को यह झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जातियों के आंकड़ों को निकाल लेंगे तो उनको जस्टिस मिल जाएगा, तो नीरज जी और सभी प्रवक्ता जानते हैं, और देश के लिए बता दूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक शेड्यूल है, वो कोई जाति नहीं है, और उस शेड्यूल में सारी जातियां इंगित हैं और उनके नंबर भी इंगित है। कितने मुसहर लोग मिले आज तक आपको मंत्री पद पे, कितने वनटंगिया मिले जिनको कि अभी हमने उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उनको पहली बार वोटिंग राइट दिया, कितने मुसहर मिले, कितने मल्लाह मिले, कितने नीची जाति के लोग मिले जो आपको ऊपर नजर आए। तो ये केवल भ्रम फैलाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश को ठीक है कौशल जी, के लिए कौशल जी थोड़ा क्रिस्पी रखे, ज्यादा अच्छा है, बहुत लंबा लंबा नहीं। विजय जी क्या आपने ऐसे उंगली हाथ दिखाया मेरे को? सर विषय ही ऐसा है। नहीं नहीं, मैं केवल नीरज जी मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, मैं केवल ये समझना चाहता हूँ, आप तो समझ ही गए होंगे, आप समझदार लोगों में से हैं, कि क्या कौशल जी ये कह रहे हैं कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, मैं केवल इतना सा समझना चाहता हूँ। हाँ ये इसका भी जवाब नहीं सर, आप ना बहुत तंज मारते हो, मेरे को बुद्धिमान बता रहे हो, मैं तो खुद ही समझ रहा हूँ ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू। अरे रुको कौशल भाई, आप तो मतलब हर चीज़ जवाब दे रहे हो, कुछ पूजा जी से भी ले लें। पूजा जी बताइए, मामला चल गया है इसलिए आप लोग इसको उठाए हुए हैं, वरना तो पिछले 50-60-70 सालों में आपके यहाँ कहा जाता था जात पर न पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर इंदिरा जी की बात पर, आप ही लोग थे ना सर, बताइए। देखिए नीरज जी, जो देश का विकास कांग्रेस के राज में शुरू हुआ, हम आज 2024 में ये जान रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं मिला है लोगों को, देश चलाने की नींव है आंकड़े। हम यहाँ बात करते हैं कि सभी सवर्ण लोग यहाँ पे पैनल में बैठे हैं, बात ये नहीं है, क्या सवर्णों को आंकड़े जानने का, क्या लोगों को आंकड़े जानने का कोई अधिकार नहीं है? आप जब ओबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास भी मैं कहूंगी, एससी एसटी ओबीसी के आंकड़े जाएंगे, उनका उनकी उनका उनकी भागीदारी कितनी है जनसंख्या में, ये जानेंगे तब उस तरह से आप नीति निर्धारण करेंगे, उस तरीके से आप लाभार्थियों तक पहुंचेंगे, उस तरीके से आप अपनी नीतियों में या परिवर्तन करेंगे कि सही लाभार्थी को पहुंचे। आज देश के पास आंकड़े नहीं है, 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है, कोविड के बाद से जो बंद पड़ा है, इतने चुनाव हो गए हैं, और अभी के बजट में भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कोई बजट का प्रावधान नहीं है। तो हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से यह है, आप राहुल जी को जितना गाली देनी है, उनकी जाति पे पोस्टमार्टम करना है कर लीजिए, पर सवाल हमारा सिर्फ यही है, क्या आप देश को रियल नंबर बताएंगे? कि जो सारे डिस्कोर्स हैं कि हलवे में कौन कितना किसको मिल रहा है, कौन से सेक्टर में कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं है, ये इसके लिए बड़ा पर्पस यही है कि आप देश को बताइए कि किसकी कितनी भागीदारी है और क्या उसके भागीदारी। पूजा जी एक चीज बताइए, इससे अरे पूजा त्रिपाठी जी एक चीज बताइए, तो ये आप लोग मानते हैं कि कांग्रेस के राज में अन्याय हुआ है दलितों और पिछड़ों के साथ, स्वीकार करते हैं ना आप लोग ये? जी हमें नहीं स्वीकार करते। अरे ये गजब कर रही हैं आप, नहीं, क्या बात कर रही हैं? अब अगर ये अन्याय हुआ नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कैबिनेट में जो सेक्रेटरीज वगैरह उसमें ओबीसी नहीं है?
अरे वो तो बहुत सीनियरिटी के लेवल पे पहुंचते हैं, ये बात बार बार उठाई जाती है। अगर वहाँ अन्याय आज थोड़ी हो गई, 14 में से अन्याय शुरू हुआ था, और ऐसे ये तो आप बोलिए मत किसी को। नीरज जी, इसमें स्वीकार करने क्या, राहुल जी ने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि हाँ ऐसा हुआ है, और तभी तो आप ये मुद्दा लेके आ रहे हैं। माफी भी मांगी है नीरज जी कि हमें ये पहले कर देना चाहिए था। इसका मतलब गलती हुई है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब गलती आप लोगों ने की है। कोर्स करेक्शन करने में कोई दिक्कत, अरे वो कौन प्रेमचंद जी कहते थे ना कि दो ही लोग अपनी गलती नहीं मानते, अपने को चेंज नहीं करते, जो मूर्ख है अमृत है। जिंदा व्यक्ति तो हमेशा बदलता है, चेंज करता है, कोई बुराई नहीं इसमें कोर्स करेक्शन में। वही तो कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं जातिगत, जब जब राहुल जी कहते हैं कि ठीक है हमसे गलती हुई, हम उसे कोर्स करना चाहते हैं। अब मैं पूछा तभी आपने एकदम से मना कर दिया, मैंने याद दिला तब करें हाँ हमसे गलती हुई है। भाई साहब कौशल गांध जी, इनसे गलती हुई है, उसको ये सुधारना चाहते हैं, आप उसमें इनका सहयोग करिए, क्या दिक्कत है? जाति जनगणना क्या राय है आपकी? आप नीरज जी देखिए, जो लोग हमेशा से सत्ता में रहे हैं उनसे तो गलतियां हुई है ना, इसीलिए वो कोर्स। अब आप भी हैं, 10-11 साल हो रहे सर, आपको भी 10 साल से आप भी हैं। नीरज जी इसीलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास की नीति लेकर आए हैं। और जहां तक बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, जातिगत जनगणना इंदिरा साहनी का 9 जजेस का बेंच कोटेड है उसमें, क्योंकि ये बात उठी थी जातिगत जनगणना की, तो संवैधानिक तौर पर जातिगत जनगणना मना की गई है, इंदिरा साहनी के जजमेंट में कोटेड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और जो भी चीज गैर संवैधानिक है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है, साफ बोल रहा हूं। और कोई भी चीज जो हिंदू एकता को तोड़ता है, हिंदुओं को खंडित करता है, भारत को खंडित करने की राजनीति करता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। और जातिगत राजनीति करने का ठेका हमने नहीं ले रखा है, ये केवल विपक्षी लोगों के पास है। क्योंकि उन्होंने हमेशा तोड़ो और राजनीति राज करो। कौशल गांध जी, अरे आप लोग रिसेंटली याद नहीं रखते भाई, जातियों में अभी जो ताजा आपके फिर से दोस्त बने हैं बिहार वाले, जाति जनगणना के प्रवर्तक वही है। राहुल जी ने तो लिफ्ट कर लिया वो आइडिया, मैं तो ये मानता हूँ ओरिजिनल आइडिया नीतीश जी का था, राहुल जी ने तो लपक लिया, अब वो पूरा देश में चला दिया, आइडिया नीतीश जी का था, आपके दोस्त हैं इस समय, वो तो यही जाति वाली राजनीति कर रहे हैं। आइडिया किसी का भी हो सकता है, आइडिया किसी का भी हो सकता है। सहमत है आप उससे ना? फिर तो आपके सहयोगी है, सरकार चला रहे हैं वहां बढ़िया से, नहीं देता है। विजय जी आप संतुष्ट हैं कौशल जी के जवाब से? नीरज जी मैंने कहा कि विजय जी सवाल है मेरा जी। नीरज जी नीतीश जी प्रवर्तक ही नहीं है और वो आज मित्र नहीं है। आपको यदि याद हो कि बिहार विधानसभा में ये प्रस्ताव पास किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी और नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी जो अब नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो और पूरा प्रतिनिधि मंडल सभी राजनीतिक दलों का प्रधानमंत्री जी से आकर मिला था, उसमें ये प्रस्ताव पारित करके दिया गया था, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, सिर्फ मित्र के तौर पर मत छोड़िए। अब मुझे नहीं पता कि विधानसभा में, बिहार विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी अलग है और केंद्र में यहाँ पर कौशल जी की भारतीय जनता पार्टी अलग है, तो दोनों को अलग अलग है। और उन्होंने, आप कौशल जी ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, तो इसमें कोई, इसमें क्या बात है, जो उनका पक्ष है वो ठीक है। कौशल जी आप जो बोल रहे हैं ये आपके केंद्रीय नेताओं ने अभी तक नहीं बोला है। सर देखिए मैंने साफ कहा, कोई भी चीज जो गैर संवैधानिक है और जो हिंदुओं को खंडित करेगी, भारत को तोड़ने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। बड़ी लाइन ले ली इन्होंने, विजय जी आपने अंडरलाइन कर दिया कि भाई ये लाइन याद हो आपको नीरज जी, ये लाइन आपको याद हो 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी बीपी सिंह के वक्त में, तब भी ये लाइन दी गई थी। और मैं तो कह रहा हूँ, जो आपने पूजा जी से पूछ रहे थे, तो पूजा जी को तो इस बात पे जो गलती मानी है उस पर माफी मांगनी चाहिए कि भाई मंडल कमीशन की रिपोर्ट मोरारजी देसाई की सरकार में आ गई, उसको इंदिरा गांधी की सरकार ने लागू नहीं किया, उसको राजीव गांधी जी की सरकार ने लागू नहीं किया, और वीपी सिंह की सरकार के वक्त में लोकसभा में जो राजीव गांधी जी का भाषण है, माफ कीजिए, तो उस पर भी राहुल गांधी जी को या तो माफी मांगनी चाहिए या कहना चाहिए कि भाई खारिज करते हैं हम जो राजीव गांधी जी का बयान है, आपने पूरा देखा होगा उसको, रिकॉर्ड पर होगा, पूजा जी ने भी पढ़ा होगा उसको, तो बहुत सारी बातें। लेकिन आप जो बात, आज प्रेमचंद जी का जयंती भी है और उसमें कहा गया कि मूर्ख और मृतक सिर्फ विचार नहीं बदलते, तो यदि आज कांग्रेस विचार बदल रही है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 1990 को याद कीजिए, तो विचार कहा गया था कि ये देश बढ़ जाएगा। विचार बदलने के लिए कोई लक्ष्य प्रयोजन होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बदलते हैं कोई,
नेहरू जी जातीय जनगणना के विरोधी थे, ठीक है, उनका विचार वैसे ही था जो अभी कौशल जी बता रहे थे कि देश बटेगा, समाज बटेगा, विकास में बाधा, वही सब बातें उस समय आई थी, तो उसको कभी किया ही नहीं गया। रिपोर्ट में पता है कौशल जी को कि क्या क्या कहा गया? रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को टेबल कर दी गई, पास रखिए, उसको लाना चाहिए बाहर, मेरे ख्याल में उसको सार्वजनिक करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसमें जो जो बताया गया करना चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे फिर अब्बास साहब बहुत देर से नहीं बात करें, उसके बाद चलते हैं और पूजा जी से भी बहुत सवाल पूछने हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आवाज़ अड्डा में, और आज एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिसमें पिछले दो तीन दिनों से काफ़ी ज़्यादा तूफान मचा हुआ है संसद से लेकर सड़क तक, कि जाति क्यों पूछी, और देश भर में इतना डिस्कोर्स चल गया कि लोग हर एक की जाति का असेसमेंट कर रहे हैं, जुडिशरी का, अस्पतालों में, ब्यूरोक्रेसी में, टेक्नोक्रेसी में, मुझे लगता है कुछ दिन बाद ये भी होगा TCS में और इंफोसिस में कितने ब्राह्मण और ठाकुर और दल, ये सब डेटा देना पड़ेगा उन कंपनियों को, ऐसा थोड़ी देश से बाहर चल रही कंपनियां, सबको देना पड़ेगा कौन कितने जातियाँ चल रही, और हो सकता है प्राइवेट में आरक्षण भी लागू कराने की व्यवस्था आगे की जानी चाहिए। खैर, वापस लौटते अपने विषय पर, मैंने बहुत देर से बात नहीं की मिस्टर अब्बास जी से। अब्बास जी, एक चीज़ बताइए, क्या इसको ये मानना है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सब सियासी पैंतरा है, चल गया है तो इसलिए इसको चलाओ, ये वो लोग यही कहते हैं जो तमाम चर्चाओं में, कि जब सत्ता में आदमी बैठता है ना तो उसको रियलिटी दूसरी दिखती है, और जब विपक्ष में होता है, सड़क पे होता है, तो उसको दूसरी दिखती है। उदाहरण के लिए जैसे मंडल कमीशन था, उसको नहीं लागू किया, अभी 10 साल UPA 1-2 चला तब नहीं याद आया, अब चूंकि इस समय वो मुद्दा चल रहा है इसलिए कोर्स करेक्शन कर लो, क्या दिक्कत है, पावर के लिए आ सकता। तो कुछ लोग ये आलोचना के रूप में कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पैंतरा है, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मंडल कमीशन लागू होने के समय सड़कों पर उतर के विरोध कर रही थी, आज कौशल कान जी के वही रंग दिखाई दिया। हमने देखा है कि न्यायालय की इन्होंने बात करी कि संवैधानिक नहीं है। अरे सर, अभी तक ये यही लोग जो बिहार में कास्ट सर्वे हुआ उसका श्रेय लेते थे कि हम कैबिनेट में थे, हमारी मंजूरी से जो है पास हुआ और उसके बाद जो है कास्ट सर्वे हुआ। अब जब चुनाव बदले हैं तो मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ों दलितों के खिलाफ नफरत की राजनीति वो खुल के सामने आ रही है। आज इन्होंने कह दिया कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, आज इन्होंने स्पष्ट कर, दिल्ली ऑर्डिनेंस में भी तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने क्या कहा था, आपने कौन सा सम्मान कर लिया? तो इस पर आप ये खोखली जो रिटोरिक्स मत दीजिए, आप पिछड़ों दलितों के खिलाफ है, ये बात स्पष्ट है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, यहां पे सब लोग पैनल में बैठे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर जातिगत जनगणना करने का मतलब यह नहीं है कि हम समाज में जो जातियों का एक वो है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, जो समाज में जातीयता है उसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिलेगा, उससे उनकी जो स्थिति है वो सामने आएगी और सरकार उस प्रकार से अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी, एक बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे देश का अगड़ा समाज है उसका जो आप अधिकतर एक ऐसी मात्रा है जो मानती है कि अगर हमें देश का विकास चाहिए, हमें देश को विकास के रास्ते पे आगे डालना है, तो जो समाज के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित हैं, उनको हमें समांतर धारा में लाना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा, तभी देश का विकास संभव है। ये सबका मानना है, अगड़े लोग चाहे कोई भी बैठे। तो ये बहुत ही नीच कुतर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सदन में दिया है कि भाई वो राहुल गांधी जी की जाति कुछ और है, राहुल गांधी जी पिछड़े समाज से नहीं आते तो वो पिछड़ों की राजनीति नहीं कर सकते और पिछड़ों के लिए काम नहीं कर सकते, पिछड़ों के हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते। क्या आप बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पिछड़े थे क्या? डॉक्टर जनेश्वर मिश्रा जी पिछड़े थे क्या? VP सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने आप समझिए कि शैक्षणिक संस्थानों में जो है आरक्षण लागू किया, क्या वो पिछड़े समाज से आते थे? नहीं आते थे ना, लेकिन उन्होंने पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ी, क्योंकि पिछड़े समाज या दलितों की जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम सिर्फ उस समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पे आप दोषारोपण करते हैं। अरे भाई, 11 में सर्वे हुआ, ठीक है, जो भी हुआ, 14 में आप आ गए थे, आप सर्वे जारी कर देते, जो भी थे सही करते। आपके पास इतना समय लंबा 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 नहीं सर, समय कम है बस भाई, समय कम है, छोटे में बोलो, एकदम क्रिस्पी एक लाइन में बोलो, जैसे ना वन लाइनर डायलॉग, तर्क नहीं होता है तो जवाब देते। अरे तर्क तो राजनीतिक दलों के पास नहीं है। ऐसी कौन सी सरकार इस समय देश में चल रही, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर नगर पालिका, ग्राम पंचायत तक, जिसके पास एक एक व्यक्ति का डेटा ना हो,
एक एक व्यक्ति का डेटा इस समय सरकारों के पास मौजूद है सर, तमाम स्कीम्स चल रही हैं, वजीफा कैसे बांटते हो आप बताओ मेरे को। ये जनगणना तो एक ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज आप करेंगे पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए। अलग डेटा है? नहीं नहीं नहीं, कोई अलग अलग डेटा नहीं सर, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का डेटा सब कुछ अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। आप करो ना, क्या आर्थिक स्थिति है आपकी, क्या सामाजिक स्थिति, उनको उनको सामने ला रहा है। एनएसएसओ का सर्वे काहे के लिए होता है? अलग है एनएसएसओ सर्वे काहे के लिए, आपके घर में सर, अरे बस भाई सुनो ना, किराए का घर है, हाँ बहुत सारी चीज। एनएसएसओ के सर्वे में तो ये भी पता चलता है कि कौन से लोग, कितने तरह के लोग शराब पीते हैं, महिलाएं ज्यादा पीती हैं, पुरुष ज्यादा पीते हैं, किस धर्म के लोग, ये सब डेटा होता है भाई। आप क्या बात कर रहे हो, आप वो डिटेल पढ़ो सर्वे, बहुत बहुत विस्तार सर्वे होता है। मेरा पॉइंट ये है कि डेटा वेटा सब अवेलेबल है, इंटेंट पे बहस हो रही है हम लोगों की, वो बहुत प्रैक्टिकल बहस जो हम लोग करने लगेंगे ना कि ये करूंगा वो करूंगा, तो बहुत सारे राज्यों में है लेकिन नहीं कर रहे लोग। तो मेरा मूल प्रश्न ये था कि जब आप सत्ता की कुर्सी बैठते हैं, प्रेमचंद की आज जयंती मना रहे हैं, तो वो कुर्सी में बैठते चीज़ें बदलने लगती क्योंकि रियलिटी कुछ और दिखती। ऐसा है क्या, क्योंकि सरकार आप ही लोग चलाते हो, पूजा जी ऐसा है क्या, आज़ादी से अब तक जब आप कुर्सी में बैठते हो तो आपको लगता नहीं यार ये बात तो नहीं हो सकती, विपक्ष में आते ही वही चीज़ लगती है कि हाँ यही इशू हो सकता है। तो मैंने जो मूल सवाल है कि एक पैंतरा है सत्ता हासिल करने का या वाकई रियलिटी में आप लोग करना चाहते हैं। देखिए नीरज जी, जातिगत जनगणना का सवाल तब उठाया था कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने जब यह पूरा माहौल चल रहा था कि 400 पार होगा, ये लोग एक तरफा जीत कर आएंगे, तब किसी को कोई इलेक्टोरल गेन की सत्ता की वो नहीं थी, होप नहीं था, मैं आपसे बिल्कुल सीधा सपाट में कहूंगी। लेकिन आज जब हम ये डिस्कस करते हैं कि हम देश को टुकड़े नहीं होने देंगे, तो ये भी एक फैक्ट है कि जाति ऐसी चीज है जो जाति नहीं है। आज जब किसी को बारात में घोड़ी चढ़ने से मना कर दिया जाता है, कोई किसी के सर पर मूता जाता है, तो उसे पता होता है कि वो लोअर कास्ट का है, इसीलिए उसके सर पे मूता जा रहा है, या उसकी बारात में एक आईपीएस को अपने बारात में घोड़ी निकालने के लिए गांव से परमिशन लेनी पड़ती है और पुलिस लगानी पड़ती है, किसी को सर जमीन पर लेटा कर अगर उसे चटवाया जाता है तो उसे पता चलता है कि लोअर कास्ट का है। आपने कहा डेटा सब कुछ है, यहाँ पे बात हो रही है कि हम देश को टुकड़े नहीं करने देंगे, हम हिंदू राष्ट्र को अखंड बना के रखेंगे। आप बताइए, आपके सहयोगी दल जिसमें आपने बजट में आपने इतना बड़ा बड़े घोषणाएं की हैं, वो कास्ट सर्वे करा के बैठे नीतीश जी और नायडू जी तो कहते हैं कि वो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे ओबीसी में, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है या फिर इनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है? और ये सारा जो इनका जाति वाला गुस्सा है वो सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ही आता है, यहाँ पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी यहाँ की बात थी, तो सर्वे जब आपके पास डेटा है तो डेटा को जारी करिए, जब तक आप उस खाई को नहीं पाटेंगे इसको, इस बात को इतना हल्का करना। अरे पूजा जी, आप लोगों ने कराई थी जाति जनगणना, डेटा जारी आप लोगों ने नहीं किया था, 2014 में आए हैं इन्होंने, नहीं किया है। अरे ये तो इनके ऊपर तो आरोप ही लगा रहे हैं, इतनी देर से बहस इनके ऊपर हो रही है, आपके ऊपर भी बहस हो रही है कि आपने डेटा क्यों नहीं जारी किया। अब्बास साहब अपने दोस्त से पूछेंगे नहीं कि भाई साहब आपने कराई थी क्यों नहीं जारी की, अब्बास पूछिए अभी आप पूजा जी से कि आपने डेटा क्यों नहीं जारी किया था। एक मिनट, हाँ क्या लगा कि डेटा नहीं सही है इसलिए नहीं जारी की, आप कर देते देखा, ये सही है, वो डेटा सही नहीं है, मतलब वो गड़बड़ किया गया था। अरे देखिए, तो हम कह रहे हैं आप तब भी जारी करते, हमारे दबाव में ही उस समय भी जातिगत जनगणना हुई थी। हाँ, तो कहां जारी कहां किया? जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि हम सत्ता में नहीं होते हैं तो नहीं होता। आप देखिए, जब मंडल कमीशन की लागू हुई थी, सब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार जैसे ही थी, सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश में लागू की मंडल कमीशन। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, आजकल जो आपके सबसे परम मित्र है उनसे सवाल क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं कि भाई साहब जब आपने जनगणना करा ली थी जाति वाली, तो डेटा क्यों नहीं जारी किया आपने, दो साल तक बैठ रहे हो, जब सत्ता चली गई तो अब ठेकेदारी इनकी है, ये जारी करें, अभी ये चले जाएंगे मान लो तो कहेंगे अब मैं क्या करूं भैया, ठीक डेटा नहीं था, आप करो, यही चल रहा है इस देश में। कौशल गांधी क्यों नहीं जारी हुआ भाई वो? नहीं नहीं अभी रुक जाओ सर। देखिए नीरज जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, पूरा देश जानता है कि एम वाई फैक्टर की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी, और यह भी एक फैक्ट है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार ने किया था, तो ये तो इनकी हकीकत है और सच्चाई है। ओके। और जब इनकी सरकार चल रही थी तो प्लीज, जब इनकी सरकार चल रही थी तो कितने मंत्री जी और कितने संतरी, कितने पुलिस वाले, वो चार डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके इन्होंने अपॉइंटमेंट किया था, इसका खाका हाईकोर्ट ने खींचा था। अब बात आई कि बिहार में क्या हुआ था और केंद्र में क्या हो रहा है,
तो सर बिहार में जातिगत सर्वे हुआ है और देश में जो बात हो रही है जातिगत जनगणना सेंसस की बात हो रही है, तो ये तो रहा मेरा ऑफिशियल स्टैंड। और जब अब सच्चाई ये है कि नीरज जी आपको भी पता है कि 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, जी, उसके जी, बाद से लेकर के पांचवां दशक, छठवां दशक, सातवां दशक, 2024 तक सर, 2024 तक नहीं हुई। अभी सुनो ना सर, समय एकदम कम है भाई, आप समझो ना ये सब बातें। हम लोग, मैं ये कह रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ कि जो इतने दशकों तक राज करने हमारे जो, सुनो ना, नहीं कौशल गांधी सुनो, हमारा जो ऑडियंस है ना वोटर, मैं उसकी तरफ सवाल पूछता हूँ, उसको ये सब मत टेक्निकल समझाओ, वो सर्वे था, ये सेंसस होगा, ये सब किसी को समझ थोड़ी आता, उसको पता है कि आप गिन के रखे हो, बता नहीं रहे हो। विजय जी एक मूल सवाल, क्या ये लड़ाई इस बात की है कि बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है और दूसरा पक्ष चाहता है कि उसको विभाजित करो तो वोट का बैलेंस बनेगा, ये लड़ाई मंडल कमंडल लड़ाई उस तरह चल पड़ी है क्या, और ये बहुत और ज़्यादा उग्र रूप में दिखेगी? लेकिन नीरज जी आपने जो बात कही पहले वो बिल्कुल ठीक बात है कि भाई आप विपक्ष में होते हो तो अलग भूमिका में होते हो, सत्ता पक्ष में होते हो तो अलग भूमिका में होते हो, ये बात पहली बात। दूसरी बात जिसका जिक्र मैंने किया कि 2024 के चुनावों से विपक्ष को ये लग गया कि ये एक मैजिक कार्ड मिल गया है, जो ट्रिगर पॉइंट उन्हें संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव से मिला था उसके एक्सटेंशन है ये, तो वो आप इसको नहीं छोड़ना चाहते हो और मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन एक बात जोड़ दूं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि प्रधानमंत्री जी लगातार सर्वसमावेशी और सबको साथ लेकर चलने, खासतौर से पिछड़ों को, भारतीय जनता पार्टी की पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बदल दिया उन्होंने। आप सोचिए 20 साल पहले की बीजेपी और आज 20 साल बाद की बीजेपी, जिसमें ओबीसी है, पिछड़ा है, दलित है, एससी है, एसटी है, संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, तो उसके बाद क्या कन्फ्यूजन है या क्या परेशानी है या क्या दुविधा है इस पर विचार करना, क्योंकि बीजेपी एग्जीक्यूशन के लेवल पर वही काम कर रही है। विजय जी परसेप्शन की लड़ाई है ये, तो आपने मुझे कई बार समझाया है कि राजनीति परसेप्शन की लड़ाई है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक डेढ़ दर्जन मंत्री, दो तीन चार मुख्यमंत्री और पदाधिकारी सब वही है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन विपक्ष ने इस समय एक परसेप्शन लपक लिया है, अब लड़ाई उसी पे होगी, हो रही है ना। तो खैर चर्चा ये अभी आगे चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों को जुड़ने के लिए।